संजेन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस महोत्सव के सायंकालीन सभा में मंच पर विराजमान समस्त पूज्य संतों के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। जनार्दन जनता के स्वरूप में जो मंच के सामने उपस्थित है, आप सभी आत्मस्वरूपी जनता जनार्दन को नमस्कार। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था को विश्वव्यापी बनाकर ईश्वर भक्ति, धर्म श्रद्धा, राष्ट्र प्रेम और मानवता की सेवा में जिन्होंने अपने जीवन को चलाया और लाखों लाखों लोगों के जीवन में इस पवित्रता को उतार कर उनके जीवन को सार्थक और प्रसन्न बनाए, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज जी के स्मृति में नमन करते हुए इस जन्म शताब्दी वर्ष के इतने बृहत आयोजन कर रहे हैं पूज्य महंत स्वामी महाराज और स्वामी नारायण बाप्स के सभी संतों को सारी जनता के तरफ से पूरा अभिवादन करता हूं। यह एक अद्भुत आयोजन है। एक संत के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम तो है ही, परंतु यह केवल वहां तक नहीं है, क्योंकि परम श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज जी या स्वामीनारायण संस्था के कोई भी केवल अपने एक संस्था के लिए अपने लिए कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया। जो किया वह राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समस्त जनता के लिए। इस प्रकार के यह आयोजन जो हो रहा है, इस कारण से लाखों लोगों के मन के अंदर के पवित्रता और पावन भावनाओं को प्रतिदिन उजागर करने का एक अनोखा कार्यक्रम है। जीवन यात्रा चला रहे सर्वसामान्य लोग हजारों हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में इस पावन नगरी पर आकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, आनंद लेते हैं, धर्म के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए मन के अंदर के किसी कोने में एक संकल्प जागृत हो जाता है, उससे और क्या बड़ा काम हो सकता है। यही परम पवित्र मानव सेवा है। मनुष्य के अंदर संतोष को, आनंद को उत्पन्न करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहा है, संतोषम जनयेत प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम। लोगों के अंदर एक सात्विक संतोष को उत्पन्न करना, वही ईश्वर पूजा है। संतों के काम क्या है, संतों के जीवन का उद्देश्य क्या है, संतों के जीवन के लक्ष्य क्या है, वह यही है, जनता के अंदर एक सात्विक संतोष को उत्पन्न करना। वह सात्विक संतोष अमीरी से आती है ऐसे नहीं है, गरीबी रहने से नहीं आती ऐसे नहीं है, वह यहां रहने से, वहां रहने से ऐसे नहीं है। वह शांति, वह आनंद, वह संतोष हृदय के अंतराल में, उस गह्वर में वो छुपा हुआ है, उसको संत जागृत करते हैं, निखारते हैं, उजागर करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज जी ऐसे लाखों लाखों लोगों को विश्व भर में
इस आध्यात्मिक संतोष को, आनंद को उन्होंने उजागर किया, लोगों को पवित्र के पवित्रता के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए तो इतनी बड़ी संख्या में न केवल कर्णावती के इस भूमि पर, विश्व भर में प्रमुख स्वामी महाराज जी से प्रेरणा लिए लाखों करोड़ों लोग उनके स्मरण करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन सार्थक हुआ इस भावना से। धर्म के कहते हैं चार बातों में है, सत्य, शुचिता, करुणा और तपस्या। धर्म के यही प्रकटीकरण है। सत्य में धर्म है, शुचिता में धर्म है, तपस्या में धर्म है, करुणा में धर्म है। प्रमुख स्वामी महाराज इन चारों आयामों में धर्म को हर दिन, हर क्षण, हर पल उन्होंने प्रकट किया। कितने प्रकार के जीवन के इतने प्रसंग हमने अभी देखा। यहां संत जैसे उपकारी होते, परम उपकारी, उसमें कुछ चार पांच प्रसंग ही, घटनाएं हम देख सके। उसमें देखते देखते आंखों में आनंद से, भावना से, मैं तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस संतोष को हम कैसे व्यक्त करें? वह सत्य, वह शुचिता, वह तपस्या, वह करुणा, उसके मूर्तिमंत रूप, धर्म के साकार मूर्ति प्रमुख स्वामी महाराज जी के उस स्मृति के इस आनंद को हम मना रहे हैं। यह केवल एक महीने का, एक वर्ष का कार्यक्रम नहीं होता। प्रमुख स्वामी महाराज जी ने जो लोगों को संदेश दिया है वह जीवन भर चलाने का विषय है। उनका जीवन सूत्र था, अन्यों के आनंद में अपना आनंद देखो, दूसरों के सुख में मेरा सुख है। यही उन्होंने प्रतिपल परोपकारी बनकर अपने जीवन को ही उन्होंने संदेश के रूप में रखा। उनके वाणी तो संदेश है ही, लेकिन उनके जीवन के एक एक प्रसंग, एक एक दिन, वह हर चीज, हर बात प्रेरणा देने वाली रही। स्वामी नारायण संस्था ने, बाप्स ने भारत में और भारत के बाहर कितने प्रकार की सेवा कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी पूज्य चिदानंद स्वामी महाराज जी ने, परमार्थ निकेतन की स्वामी ने जैसे कहा, कितने संत, कितने वॉलंटियर्स यहां आकर इस प्रकार के कार्य करते हुए धर्म भारत में जीवित है, संस्कृति यह आज भी प्रभाव कर है। इस धर्म और संस्कृति के रास्ते पर चलने वाले लोग, चलने वाले समाज, चलने वाले राष्ट्र दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस मार्ग पर चलो, सबको आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज जी के इस मंगल जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कई प्रकार के संकल्प हम लिए होंगे, उन सारे संकल्पों को हमें चरितार्थ करने चाहिए। हम भारत में जन्मे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। हम भारत में इस समय जन्मे हैं, हम जीवित हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। जब भारत विश्व के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग को दिखाने के, अपने आत्मविश्वास पर, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होकर खड़ा होने के एक सुवर्ण क्षण आया है, ऐसे समय में परम श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष के इस निमित्त हम अपने जीवन को ऐसे पवित्र बनाएं, पावन बनाएं, ऐसे हम संकल्प लें। प्रतिदिन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिदिन अपने संकल्प को हम स्मरण करें। मुझे अधिक ज्यादा नहीं बोलना है, मैं इतना ही कहूंगा कि पूज्य संतों ने और अन्य महानुभावों ने इस मंच से प्रतिदिन लोगों के लिए कई प्रकार के प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिए ही हैं। हम तो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग महापुरुषों के भांति कैसे कर सकते हैं,
कभी कभी लगता है प्रमुख स्वामी महाराज जी बाकी संत ऐसे तो हमारे जीवन कैसे होगा, लेकिन उनके स्मरण मात्र से ही अपने जीवन पावन होता है। लेकिन हम भी कुछ कर सकते हैं, हर व्यक्ति हर इंसान अपने जीवन में कुछ तो कर सकता है, हर व्यक्ति कुछ तो सन्मार्ग पर चलने के लिए कर सकता है, वो करना चाहिए। मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता रूपी कहानी याद आती है। भगवान सूर्य दिन भर के कार्य पूरा करके रोशनी प्रकाश और उष्णता देकर वो अपने दिन भर की ड्यूटी समाप्त करके विश्राम के लिए जाने वाले थे। जब संध्या काल होता है, सायंकाल होता है, धीरे धीरे अंधेरा आना शुरू होता है और थोड़े समय के बाद रात्रि हो जाती, तो रात्रि में कैसे प्रकाश होगा? तो इसलिए सूर्य भगवान समस्त चराचर सृष्टि के सामने प्रश्न रखते हैं, देखो भाइयों बहनों, मैं अभी दिन भर की ड्यूटी समाप्त करके मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं, अब मेरा काम आप में से कौन करेगा? अरे सूर्य भगवान जो समस्त समूचे विश्व के लिए, समूचे सृष्टि के लिए प्रकाश देने वाले, उतने बड़ा काम कौन कर सकता है दुनिया में? सारे सन्नाटा, कोई शांत मौन, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सूर्य भगवान पुनः प्रश्न पूछा उन्होंने, मेरे कार्य कौन कर सकते हैं? सब एक दूसरे को देख रहे, लेकिन एक छोटा सा दीपक अपने स्थान पर खड़े हुए। हे महाप्रभु, मैं आपके जैसे सारे विश्व को तो प्रकाश नहीं दे सकता, रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतने भरोसा दे सकता हूं आपको, मैं जहां रहूंगा उसके इर्द गिर्द अंधेरा अंधकार नहीं रहेगा, उतने प्रकाश तो मैं दे सकता हूं। ऐसे उस दीपक, छोटा दीपक ने अपने निवेदन किया। मित्रों, प्रमुख स्वामी महाराज जी जैसे विश्व को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान हमें यही चाहते हैं, क्या हम अपने अपने जगह पर एक छोटा सा दीपक बनकर अंधकार को दूर करने के, प्रकाश देने के वह श्रेष्ठ कार्य, वह धर्म कार्य, वह संस्कृति के कार्य हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। यही हम संकल्प करें, यही प्रमुख स्वामी महाराज जी के चरणों में हमारी श्रद्धांजलि होगी, हमारे अभिवादन होगा। इतना ही कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंद के आनंद हमें मिले, नीलकंठ के शांति हमें प्राप्त हो, और स्वामी नारायण की असीम कृपा हम सबके ऊपर सदैव रहे। नमस्कार। आज के हमारे आदरणीय अतिथि श्री दत्तात्रेय जी उस बुले ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए, हम उनके अत्यंत आभारी हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे पूज्य डॉक्टर स्वामी के पास आए और स्मृति भेंट प्राप्त करें, एवं पूज्य कोठारी स्वामी श्री दत्तात्रेय जी उस बले को शाल अर्पण करके उनका सम्मान करेंगे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर विभिन्न धर्मों के अग्रणी कार्यवाहक एवं धर्माचार्य हमें अपनी प्रेरक वाणी का लाभ दे रहे हैं। उस श्रृंखला में अब हम अग्रिम सिख धर्म गुरु श्री सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह से निवेदन करते हैं कि वे अपने के बाद रात्रि हो जाए तो रात्रि में कैसे प्रकाश होगा? तो इसलिए सूर्य भगवान समस्त चराचर सृष्टि के सामने प्रश्न रखते हैं, देखो भाइयों बहनों, मैं अभी दिन भर की ड्यूटी समाप्त करके मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं, अब मेरा काम आप में से कौन करेगा? अरे सूर्य भगवान जो समस्त समूचे विश्व के लिए, समूचे सृष्टि के लिए प्रकाश देने वाले, उतने बड़ा काम कौन कर सकता है दुनिया में? सारे सन्नाटा, कोई शांत मौन, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सूर्य भगवान पुनः प्रश्न पूछा उन्होंने, मेरे कार्य कौन कर सकते हैं? सब एक दूसरे को देख रहे, लेकिन एक छोटा सा दीपक अपने स्थान पर खड़े हुए। हे महाप्रभु, मैं आपके जैसे सारे विश्व को तो प्रकाश नहीं दे सकता, रोशनी नहीं दे सकता,
लेकिन मैं इतने भरोसा दे सकता हूं आपको, मैं जहां रहूंगा उसके इर्द गिर्द अंधेरा अंधकार नहीं रहेगा, उतने प्रकाश तो मैं दे सकता हूं, ऐसे उस दीपक छोटा दीपक ने अपने निवेदन किया। मित्रों, प्रमुख स्वामी महाराज जी जैसे विश्व को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान हमें यही चाहते हैं, क्या हम अपने अपने जगह पर एक छोटा सा दीपक बनकर अंधकार को दूर करने के, प्रकाश देने के वह श्रेष्ठ कार्य, वह धर्म कार्य, वह संस्कृति के कार्य हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। यही हम संकल्प करें, यही प्रमुख स्वामी महाराज जी के चरणों में हमारी श्रद्धांजलि होगी, हमारे अभिवादन होगा। इतना ही कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंद के आनंद हमें मिले, नीलकंठ के शांति हमें प्राप्त हो, और स्वामी नारायण की असीम कृपा हम सबके ऊपर सदैव रहे।